नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और हम पढ़ेंगे एक मजेदार कहानी, किसने बनाई टमाटर की चटनी। आपको क्या लगता है, दो बच्चे मिलकर चटनी बनाएंगे टमाटर की तो क्या वो खाने लायक होगी। चलो पढ़ते हैं कहानी और देखते हैं ये दोनों टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं। तारा और रवि बाजार जा रहे हैं। अम्मा ने उन्हें कागज पर लिखकर दिया है कि कौन कौन से फल और सब्जियां लानी हैं। बाजार में तारा को रस भरे लाल टमाटर दिखाई देते हैं। लगता है आज अम्मा टमाटर की चटनी बनाएंगी, वह कहती है। मोनप्पा सब्जी वाला सारी चीजें तोलता है, एक के बाद एक थैले में डालता है। 1 किलो ताजे लाल टमाटर, 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो आलू, 1 नारियल और 6 नींबू। आधा आधा समझते हैं ना, हाफ, 1/2। इसका मतलब होता है किसी भी सामान को 2 बराबर हिस्सों में बांटना, और किलो होता है किलोग्राम। तारा और रवि घर की ओर पैदल जाते हुए गाने लगते हैं। मिल जाए टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी, अम्मा बनाए खट्टी मीठी चटनी। अचानक रवि तारा से पूछता है, क्या तुम्हारे पैरों पर भी कुछ टपक रहा है? अरे थैला गीला हो गया। ओहो, सारे टमाटर सबसे नीचे दब कर पिचक गए हैं, तारा ने रवि से कान में कहा। हमारी ये टमाटर की चटनी कितनी बेकार लग रही है, ये अम्मा वाली चटनी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब अगले हफ्ते तारा और रवि बाजार गए तो उन्होंने होशियारी से काम लिया। भारी सब्जियां थैले में सबसे नीचे रखो और हल्की और नाजुक सबसे ऊपर, रवि बार बार याद दिलाता रहा। थैले में सब्जियां ऐसे रखी गईं: 1 तरबूज, 1/2 किलो आलू, 1 नारियल, 1/2 किलो अंगूर, 6 कच्चे केले, 1/2 किलो टमाटर। लेकिन घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कच्चे केले के नीचे दबने से अंगूर का रस निकल गया है। पिछली बार हमने टमाटर की चटनी बना दी थी, इस बार हमने अंगूर का रस बना दिया है, ना जाने अगली बार हमारी वजह से क्या होगा, तारा ने मायूस होकर कहा। अगली बार अम्मा ने जो चीजें लाने के लिए कहा उनमें संतरे भी थे, हल्के और मुलायम संतरे, इसलिए उन्हें सबसे ऊपर टमाटर के साथ रखा गया। जब खरीदारी करके तारा और रवि अपना चटनी गीत गुनगुनाते हुए बाजार से घर की ओर चले जा रहे थे कि तभी उन्हें उनके दोस्तों ने देख लिया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए दोस्तों ने उनके सारे संतरों का सफाया कर दिया। घर पहुंचने पर जब अम्मा ने थैले में संतरा ना होने की बात जानी तो उन्होंने दोनों को बाहों में भर लिया। अम्मा ने कहा, इस बात के लिए मैं दुखी ना हूं। अगले हफ्ते तारा और रवि ने होशियारी बरती। उन्होंने संतरे सबसे हल्की चीज पुदीने की गड्डी के नीचे छुपा दिए। अब उनके भुक्कड़ दोस्त संतरे नहीं देख पाएंगे। उस रात अम्मा ने अपनी वाली स्वादिष्ट टमाटर की चटनी और नींबू वाले चावल बनाए। तारा और रवि ने खाने का सफाया कर दिया और उसके बाद उन्हें क्या मिला, मीठे रसीले संतरे। और क्या, थैले में भरो सोच समझ कर। अगर आपकी माँ आपको सेब, तरबूज और केले लेने के लिए भेजे तो आप किस फल को कभी सबसे नीचे नहीं रखेंगे, बताइए। केले, क्योंकि वो है नरम और नाजुक जो कि तरबूज के नीचे दब जाएंगे। आपके थैले में 1/2 किलो चीनी, 1/2 किलो चाय और 2 पैकेट बिस्किट है, किस चीज को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए? बिस्किट, क्योंकि वो कुरकुरे हैं, दबकर टूट जाएंगे।
एक सुबह रवि एक दर्जन अंडे, आधा किलो प्याज, एक डबल रोटी और एक चौथाई किलो आलू लेने के लिए दुकान पर जा रहा था। अंडे होशियारी से लाना, अम्मा ने जाते जाते पुकारा। रवि को और कौन सी चीज को थैले में सबसे नीचे नहीं रखना चाहिए बताओ? अंडे का तो ध्यान रखना ही है, उसके अलावा और किसका ध्यान रखें? डबल रोटी या ब्रेड का, क्योंकि वो भी नरम और नाजुक है, वो भी दब जाएगी और खराब हो जाएगी। कैसी लगी आपको कहानी? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।